हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5। ठीक है, कार्यपत्रक 5 है ये, और कक्षा 7th के बच्चों के लिए, विषय गणित है। और ये जो कार्यपत्रक है आपके लिए 20 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो वर्कशीट शुरू करते हैं। उफ, आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। नहीं, आज वर्षा नहीं होगी। यानी यहाँ पर क्या है बच्चों, वर्षा हो भी सकती है और वर्षा नहीं हो भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये प्रायिकता है। हम रोज की बात में अक्सर जो है प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे जीवन में स्थितियां होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है, कुछ ऐसी जिनका घटित होना असंभव होता है, और कुछ ऐसी जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जैसे कि देखिए, आज अगर मंगलवार है तो कल बुधवार होगा ही होगा, ये तो निश्चित है ना, बुधवार होगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रायिकता है वो कितनी हो गई, 100% हो गई कि जो मंगलवार है उस दिन के बाद बुधवार आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल असंभव हैं। जैसे हम कहें कि हम जो है अभी थोड़ी देर बाद हम जो उड़ने लग जाएंगे, तो ये क्या है, ये असंभव है। इसमें प्रायिकता क्या है, 0% है, बिल्कुल 0 है, असंभव चीज़ है। अब देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जैसे कल बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो उसमें हमें प्रायिकता जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो स्थितियां होंगी या नहीं होंगी, संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। घटना के होने व नो ना होने के संयोग ही क्या कहलाते हैं, प्रायिकता कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, किसी भी घटना की प्रायिकता अगर हमें निकालनी है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो घटना के संभावित परिणाम यानी क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं वो हमें जो है यहाँ पे लिखना है, कि जो संभव हैं और साथ में घटना के कुल परिणाम यानी टोटल कितने पॉसिबल हैं वो हमें लिखना है। ठीक है, जैसे घटना के संभावित परिणाम, जैसे हम चाहते हैं कि कल बारिश हो, ठीक है, तो हम एक परिणाम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि बारिश हो, तो उसकी कितनी प्रायिकता है। और दूसरा क्या है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी टोटल तो 2 हो गए ना कुल परिणाम। और हम चाहते हैं कि इसकी प्रायिकता निकालना है कि बारिश हो, तो 1 हो गया, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी 50% चांस है बेटा बारिश हो और 50% चांस है बारिश ना भी हो। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रायिकता निकालते हैं। आइए और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो इसके 2 संभव परिणाम चित या पट है। ठीक है, तो देखिए, किसी भी सिक्के को जब उछाला जाएगा तो उसमें चित भी आ सकता है या पट भी आ सकता है, यानी हेड एंड टेल। ठीक है ना, तो ये एक क्या है, संप्रायिक घटना है। अर्थात जो चिट या पट आने की प्रायिकता है वो 50-50% हो गई। यानी हो सकता है कि जो है चित भी आ जाए, 50% चांस है चित आ जाए, और 50% चांस है कि क्या आ जाए, पट आ जाए। तो यहाँ पे 50-50% चांस हो गए। अब देखिए, कोई भी बच्चों जो निश्चित घटना होती है, जैसे आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा ही होगा, तो उसकी प्रायिकता क्या है, उसकी प्रायिकता 1 है। 1 का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी 100% है किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता। अब उसके बाद देखिए, असंभव घटना की प्रायिकता क्या है, 0 है। यानी जो बात असंभव है उसकी तो कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं ना, कुछ हो जाएगा, तो उसकी क्या हो गई, उसकी 0 होगी। अब देखिए, अगर आज मंगलवार है तो कल क्या होगा, कल बुधवार होगा। यह निश्चित या संप्रायिक घटना है। ठीक है, तो यह निश्चित घटना है कि कल बुधवार होगा ही होगा, क्योंकि यह निश्चित है कि कल बुधवार होगा। अतः प्रायिकता क्या हो गई बेटा, इसकी 1 हो गई, यानी 100% हो गई। उसके बाद देखिए, ये मैं मध्यान्ह अवकाश के समय उड़ूंगा, मेरिसिस के समय उड़ूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है, ये असंभव घटना है। यानी इसकी जो प्रायिकता है वो क्या है, 0 है। जो भी असंभव चीजें होती हैं उनकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। उसके बाद देखिए, जो प्रायिकता है बेटा वो ऋणात्मक नहीं हो सकती और 1 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो आपको यही बताना है यहाँ पे। आप देखिए, फर्स्ट क्या लिखा गया है, आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो ऑब्वियसली बेटा कल जो हमारी आयु थी, आज हम उससे अधिक आयु के बिल्कुल होंगे, तो ये तो निश्चित ही है।
ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे ये निश्चित है, यह घटना निश्चित है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वहीं से हम इनको एक वन बाय वन सबको जो है डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये है फर्स्ट का आंसर, आप यहां से लिख के चले जाइए, आज आप कल से अधिक आयु के हैं तो होना निश्चित है। दूसरा देखिए, एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा, तो बेटा ये तो हो भी सकता है, पट भी आ सकता है, तो यह हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। ठीक है, तीसरा देखिए, एक पासे को फेंकने पर आठ आएगा, पासे में आठ नहीं होता है, यह असंभव है, पासे में तो एक से छह तक होते हैं, तो इसीलिए आठ आ ही नहीं सकता, तो ये क्या है, ये असंभव है और इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। अब देखिए यह हो भी सकता है कि हरी हो भी जाए और ना भी हो, ठीक है, परंतु निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वो हरी ही होगी। ओके, तो यहाँ पर भी जो है प्रायिकता आप जो इस तरह से लिखेंगे, यह हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। नेक्स्ट क्या है, कल बादल घिरे होंगे। अब बच्चों बादल जरूरी नहीं है घिरे हों, बारिश भी हो सकती है, चांस है, सनी डे भी हो सकता है, ठीक है, धूप निकल सकती है, तो यह हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यह होगा। तो आप आंसर ये लिखेंगे, यह हो भी सकता है पर निश्चित रूप से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपको बताना है, एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए पासे को फेंका जाता है तो उसमें आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी, पहली है दो से बड़ी संख्या आने की। ठीक है बेटा, तो आपको जो है हम इनको वन बाय वन करेंगे, कैसे सॉल्व करना है अभी हम देखेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दो से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, भाज्य संख्या आने की, विषम संख्या आने की और सम अभाज्य संख्या आने की। तो आइए बेटा इनको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट जो हमने करना है वो है दो से बड़ी संख्या आने की। अब जो पासा होता है उसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये नंबर होते हैं, तो दो से बड़ी संख्या, अब देखिए दो से बड़ी संख्या ये है हमारी 3, 4, 5, 6, तो घटना के संभावित परिणाम क्या क्या है, 3, 4, 5, 6 इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। घटना के कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं, तो बेटा ये कुल परिणाम तो 6 है ना, उसमें से 4 के चांस हमने देखने हैं, तो किसी घटना की प्रायिकता के लिए फॉर्मूला हमने किया था, घटना के संभावित परिणाम और घटना के कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, 3, 4, 5 एंड 6, तो टोटल कितने हो गए, 4 परिणाम हो गए घटना के संभावित, तो 4/6। ठीक है, अब इसको आप जो है यहाँ पे कट कर दीजिए, 2 × 4 और 2 × 3 = 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे भाज्य संख्या आने की, तो भाज्य संख्या इसमें क्या है, भाज्य संख्या इसमें 4 है और 6 है, यानी दो ही हमारे पास जो है संभावित परिणाम है ना, तो देखिए 4 है यहाँ पे और क्या होगा, 6 है। अब यहाँ पे जो घटना के कुल परिणाम है वो कितने हैं, 6 हैं, तो किसी घटना की प्रायिकता जो है घटना के संभावित परिणाम और घटना के कुल परिणाम, ये फॉर्मूला आपने करना है, तो 2/6, संभावित परिणाम तो बेटा 2 हो गए ना टोटल, 2/6 आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 जो है यहाँ से उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट करेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है, तो विषम संख्या क्या क्या है, 1, 3, 5, बेटा 1 से 6 में हम देख रहे हैं, पासे में बोला है ना आपको, तो संभावित परिणाम है यहाँ पे 1, 3, 5, तो टोटल संभावित कितने हो गए, 3 हो गए, कुल परिणाम तो बेटा रहेंगे ही 6, तो प्रायिकता निकालेंगे तो 3/6 और उत्तर कितना आ गया यहाँ से, 1/2 जो है यहाँ से उत्तर आ गया। उसके बाद देखिए सम अभाज्य संख्या आने की, तो अभाज्य संख्या और कौन सी, सम अभाज्य, तो वो केवल 2 ही है, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, केवल अकेला 2 है, तो घटना का संभावित परिणाम कितना हो गया, केवल 1 हो गया, कुल परिणाम तो 6 है, फॉर्मूला लगा के और निकाल देंगे, आंसर कितना आ गया बेटे, 1/6, 1/6 जो है इसका आंसर आ गया। तो ये थी बच्चों आपकी आज की प्रायिकता की वर्कशीट, आई होप आपको बेटा ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।